चलिए आज एक और नाश्ता बनाते हैं दिवाली का, जो कि है शक्कर पारे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बोल पानी के अंदर एक बोल शक्कर है उसको हम अच्छे से घोल लेंगे, जिससे कि एक अच्छी सी चाशनी रेडी हो जाए। पर चाशनी हमें गाढ़ी नहीं करनी है, सिर्फ शक्कर को हमें पानी के अंदर मिला लेना है। अब एक पतीले में हम लेंगे 4 कप जितना मैदा। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, और आप इस नाप से लेना चाहे तो इस नाप से भी ले सकते हैं, या फिर आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है और 4 चम्मच घी डालेंगे मोइन के लिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका मोइन है ना किस तरह से होना चाहिए। अच्छे से पहले घी को आटे के साथ अच्छे मिक्स कर लेना है और फिर ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, ये मोइन इस तरह से गिरना चाहिए कि हम अगर मुट्ठी में इस तरह से आटे को बांधे तो इस तरह से ये खुल जाए फिर। और ये हमारा जो शक्कर वाला पानी है वो भी तैयार हो चुका है, शक्कर अंदर घुल चुकी है। अब उससे हम आटा जो है वो गूंथ लेंगे। तो जब ज़रूरत हो उतना ही पानी ऐड करिएगा, ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, और अच्छे से आटा गूंथना है। ज़्यादा हम आटे को दबाएंगे नहीं, जितना हल्का हो सके उतने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और थोड़ा सा हमें इसका जो आटा है ना वो ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कड़क ही रखेंगे। तो ये देखिए, मैं आटा जो है उसके अंदर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस तरह से हम चाशनी डालेंगे, और फिर चाशनी यानी कि शुगर वाला जो पानी है वो डालेंगे, और हल्के हाथों से इसका आटा हम गूंथ लेना है। तो जब आप आटा गूंथेंगे और फिर इस तरह से ये आटे को तोड़ेंगे ना, तो इसके बीच में ये लेयर्स दिखनी चाहिए, तो हमारे जो शक्कर पारे हैं ना वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा दबा कर इसको ना बनाएं। और फिर इसके हमें जितने साइज़ के पेड़े चाहिए उतने साइज़ के पेड़े जितने बनते हैं वो बना के रख देंगे, और फिर उसको हमें बेलना है। तो बेलते वक्त भी ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं उतना पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। हम भाखरी जो होती है, आलू का जो पराठा होता है, उतनी साइज़ का हम बेलेंगे और उतनी ही थिकनेस रखनी है। और ये जो साइड्स है ना उसकी, वो हम इस तरह से दबाते जाएंगे और फिर बेलते जाना है, जिससे क्या होगा कि इसकी जो रिम है ना वो ज़्यादा टूटी फूटी सी ना रहे और थोड़ी सी हमें अच्छे से राउंड तरह से मिल जाए। अगर आपका राउंड नहीं बनता है तो क्या करेंगे, इस तरह से हम चारों साइड से इसे कट कर लेना है। तो जितना भी ये अनइवन साइड लगे ना हमें उसका रिम, वो उतना हम निकाल देंगे, और फिर बीच का जो हमें स्क्वायर पार्ट मिलता है उसके हम लोग पीसेस कर देंगे। तो हमें इस तरह से छोटे छोटे, या फिर आपको जो भी साइज़ के शक्कर पारे बनाने हैं उस साइज़ का आप कट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, या फिर आप हम जैसे कर रहे हैं वैसे स्क्वायर पीस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे शक्कर पारे बन के तो रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हम देखिए, आप देख सकते हो उसकी थिकनेस कितनी अच्छी है और मोटे मोटे से है, और बीच में इसके लेयर्स भी दिख रही होगी आपको। अब इनको फ्राई करना है, तो हमने यहाँ पे ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है। अब ऑयल गरम होने पर इसको आराम आराम से डालेंगे। पहले चेक कर लीजिएगा कि ऑयल आपका पूरी तरह से गरम हो गया हो, वरना नहीं हुआ होगा ना तो ये इसके अंदर ऑयल जो है वो सोक हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको हम आराम से डाल देंगे, जितना हो सके उतना आप एक बैच में डाल सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है कि आप पहले थोड़ा थोड़ा डालिए। तो अब इसको मिक्स करने के लिए ना हम चम्मच से नहीं मिक्स करेंगे, हम इसको फोर्क होता है ना उससे मिक्स करेंगे, जिससे कि ये टूट ना जाए। तो ये देखिए, ये हल्के से सिर्फ इसको हिला लेना है इस तरह से, और इसके बीच में आप देख सकते हो लेयर्स कैसे अच्छे से बन रहे हैं। तो ये हमारे शक्कर पारे हमें तब तक फ्राई करने, जब तक ये गोल्डन पिंक कलर ना आ जाए ना, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और जब ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए उसके बाद आप इसको जो झारा होता है ना उससे आप मिक्स कर सकते हैं, पर जब डाल रहे हो तब आप इसको बिल्कुल भी मत हिलाइएगा इस झारे से, वरना फिर वो टूट जाएंगे। जब थोड़े थोड़े से ऊपर आने लगे ना तब फिर आप यूज़ कर सकते हैं बड़ा सा जो चम्मच होता है ना, झारा होता है उससे। और ये हमारे शक्कर पारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, एकदम क्रिस्पी और एकदम खस्ता हमारे शक्कर पारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और नेहा नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए।